ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर RS 200 में है, पल्सर NS 200 में भी मडगार्ड यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। NS 200 का फ्रंट मडगार्ड एक तरह से सिक्योर हो जाएगी हमारी बाइक। तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी बाइक का पिछला टायर मॉडिफाई करके दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली बरसात के मौसम में जब हम अपनी बाइक को राइड पर लेके जाते हैं तो फ्रंट तो ठीक है लेकिन रेयर व्हील बोले तो पिछला टायर पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। एक्चुअली आपने देखा भी होगा सारी बॉडी पोर्शन पे, आगे पीछे स्विंग आर्म पे, शॉकर पे, इन सब पे कीचड़ लग करके पूरी तरीके से पूरी बाइक का बुरा हाल हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बाइक के रेयर टायर पे एक मडगार्ड इंस्टॉल करूँ। ओके, वो मडगार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो मडगार्ड है, ये है NS पल्सर NS 200 का मडगार्ड है। इसे मैं अपनी बाइक के पिछले टायर पे इंस्टॉल करने की सोच रहा हूँ। ओके, और ये है दूसरा मडगार्ड, ये आपने देखा होगा पल्सर 150 पे लगा होता है, 150 के पिछले टायर पे इंस्टॉल होता है ये। ओके, तो ये मेरे पल्सर 150 से निकला हुआ है, पिछले जब मेरी बाइक 150 क्लासिक लुक में थी तब ये मेरी बाइक में इंस्टॉल था। ओके, इसको मैंने खोला है तो अभी मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसे भी अपनी बाइक में इंस्टॉल कर दूँ। ओके, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये मेरी बाइक पर इंस्टॉल होने के बाद ये कैसा लुक देंगे। ओके, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। ओके, इसकी वजह से हमारा ये स्विंग आर्म, वो मिडिल स्टैंड, चेसी और ये सारा पोर्शन इतना गंदा सा लगता है, मतलब देखने में बिल्कुल ही बेकार लगता है। ओके, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इस जगह पे अपने व्हील को कवर कर सकूँ, जैसा कि और स्पोर्ट बाइकों में आ रही है, जैसे पल्सर RS 200 में है, पल्सर NS 200 में भी है और पल्सर 135 में भी है, आपने देखा होगा। तो उसी तरह से मैं कुछ इसमें मडगार्ड यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो वो मडगार्ड भी मैं लेके आ गया हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो बरसात में बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं, आप उस पर बाइक राइड करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से बरसात के सीज़न में, बरसात के मौसम बोले तो मानसून के मौसम में रोड बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं और आप अगर अपनी बाइक को राइड पे लेके जाते हो तो बाइक का क्या हाल होता है ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए क्या हाल है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारे में ये डस्ट वगैरह किस तरीके से इसमें चारों तरफ लग जाता है, ये देखो, है ना। और वैसे भी ये देखने में अच्छा नहीं लगता, जब आप कहीं कीचड़ वगैरह में या कहीं किसी भी टूटे फूटे रास्ते से गुजरते हैं तो ये सारे का सारा कीचड़ हमारे इस पर भी लगता है, हमारे इन स्टॉकरों पर भी लगता है और ये स्विंग आर्म सारा का सारा टोटली ये सारा, और फिर उस डस्ट की वजह से ख़राब होने लगता है, पेंट उतरने लगता है, इस पर जंग लग जाता है, ये धीरे 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 गलने लगता है, ख़राब होता है। और यहाँ तक कि हमारा ये जो मिडिल स्टैंड है, ये मिडिल स्टैंड भी ख़राब होने लगता है। ओके, तो मैंने इसके लिए कुछ जुगाड़ सोचा है, वो जुगाड़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये है वो जुगाड़, ये है NS 200 का फ्रंट मडगार्ड। ओके, इसको मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपने इस रेयर व्हील के ऊपर। ओके, इससे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा तो इस डस्ट से, इस मड से हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और बाइक को भी एक नया लुक मिल जाएगा, मतलब मॉडिफाई की मॉडिफाई और प्लस में आपके बाइक की पूरी तरीके से सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योर हो जाएगी हमारी बाइक। ओके, तो इसके अलावा भी मेरे पास एक और चीज़ है, वो है ये तो आप जानते हैं, इसको तो आपने देखा भी होगा, ये पल्सर 150 का है जो पहले मेरी बाइक में इंस्टॉल था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी इसी के साथ इंस्टॉल करूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों अगर मैं इसको सिंगल इंस्टॉल करता हूँ तो उसका मेरे को बेनिफिट नहीं होता, हालांकि लुक तो चेंज हो जाएगा लेकिन बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मड जो है सारा, ये कीचड़ जो है ये यहाँ से चढ़ करके ये यहाँ तक, इस जगह तक, यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा ही। ओके, ये देखिए, इस जगह तक एटलीस्ट आएगा और सारा मड इसके ऊपर आएगा तो ये लुक को ख़राब कर देगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, बाइक गंदी गंदी से दिखेगी। ओके, ये देखिए, ये है, ये यहाँ तक एटलीस्ट सारा मड यहाँ तक आएगा ही आएगा और प्लस में इसे भी गंदा करेगी और यहाँ से इस साइड भी उतर सकती है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ये है कि लुक ओवरऑल चेंज हो जाएगा पीछे से और कोई भी
इस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा कि ये कंपनी फिटेड है या आपने खुद से लगाया है। ओके, तो मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ कि मैं लुक पे काम करूँ या सिक्योरिटी पे काम। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं इन दोनों मडगार्ड को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये वाला मडगार्ड, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमारे स्विंग आर्म को, हमारे स्टैंड को और ये चेसी को, ये देख रहे हैं चेसिस के इस हिस्से को पूरी तरह से सिक्योर करेगा, क्योंकि अगर कीचड़ आएगा भी, बोले तो वो मड आएगा भी, तो वो यहाँ से नीचे हो जाएगा, इससे इधर नहीं जाएगा। ओके, तो हमारा पूरी तरह से, ये देखिए पूरी तरीके से पूरी चेचिस स्टैंड बिल्कुल ही सिक्योर हो जाएगा। प्लस में आप लुक देख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। मैं इसका आपको अपर लुक भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कैसे लगेंगे, ये इस तरीके से दिखेगा कुछ। ओके, तो लुक भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही, और आपकी बाइक भी सिक्योर हो जाएगी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही व्हील फ्री है, और अभी मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही लगा के छोड़ दिया है, और बिल्कुल सेट लग गया है ये। मैं इस साइड से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए टोटली लुक भी चेंज हो जाएगा, और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, बिल्कुल ही लेवल में आया हुआ है। और ये अंदर देख सकते हैं आप लोग, है ना, हमारा ये स्विंग आर्म, ये सब, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी, और कीचड़ नाम की कोई भी चीज़ आपकी स्विंग आर्म वगैरह, और इवन ये भी आपका, ये देखिए ये जिस हिसाब से ये है उस हिसाब से पूरा ये सिक्योर हो जाएगा। मड नाम का कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं आ सकता, आपकी, आपका साइलेंसर सिक्योर, सस्पेंशन सिक्योर, स्विंग आर्म भी सिक्योर, नीचे देख सकते हैं आप लोग स्टैंड भी सिक्योर, चेचिस भी सिक्योर, ऑल ओवर चीज़ें आपकी सिक्योर हो जाएंगी, और प्लस आप इसको क्लीन भी ईजिली कर लोगे। ओके, और यहाँ तक ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी अगर मड आएगा भी तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये इस जगह तक आएगा। ओके, इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी अगर आप अपनी बाइक को मॉडिफाई भी करना चाहोगे, ये मड गार्ड हटाना भी चाहोगे, तो हटा सकते हैं, आपकी नंबर प्लेट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और आप लोग भी देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। बस मुझे एक ही चीज़ की कन्फ्यूज़न है दोस्तों, वो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं इस अकेले सिंगल एक को इंस्टॉल करूँ या दोनों को, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि सिंगल ही इसको इंस्टॉल करूँ या डबल दोनों को इंस्टॉल करूँ। मैं आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहता हूँ, जो आप लोग कहोगे मैं उसी के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मुझे आप कमेंट करके बताएं, और आफ्टर वन वीक मैं इसकी वीडियो अपलोडिंग की, इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इस अकेले सिंगल को इंस्टॉल करूं या दोनों को इंस्टॉल करूं। वैसे मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, और आप लोगों को ये दोनों अच्छे लग रहे हैं या सिंगल अच्छा लगेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर मैं आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो अपलोड करके दूंगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट बैठ जाएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी बाइक भी सिक्योर हो जाएगी, और नया लुक मिलेगा हमारी बाइक को। ये देखिए, ये जब हम कहीं भी अपनी बाइक को लेकर के जाएंगे, तो देखने वाला भी एक टाइम ये सोचेगा कि ये बाइक में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, तो लुक बिल्कुल ही बेहतरीन हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, और आपकी बाइक भी सिक्योर रहेगी। इसलिए मैं इसके इंस्टॉलेशन से पहले आपसे आपकी कमेंट और आपकी राय लेना चाहता हूँ कि मैं इसको सिंगल ही इंस्टॉल करूं या दोनों इंस्टॉल करूं। ओके, दोनों का मैंने आपको रिव्यू दे दिया, और सिंगल का भी मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, तो फटाफट से मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, सिंगल ही यूज़ करूं या डबल, सॉरी सिंगल ही इंस्टॉल करूं या दोनों को इंस्टॉल करूं। ओके, तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, और आई होप नेक्स्ट वीक तक मैं इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों को अपलोड करके इसका पूरा इंस्टॉलेशन वीडियो फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, और इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये देखिए, इससे हमारा ये स्विंग आर्म सिक्योर रहेगा, लेकिन फिर भी कीचड़ इसके ऊपर आ सकता है, जो हमारे लुक को बिल्कुल ही गंदा कर देगा। ओके, यानी आप ये कह सकते हो मज़ा नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, और
बस आपके कमेंट का इंतजार है और मैं इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो फटाफट से अपलोड कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कमेंट सेशन के ऊपर है। मैं आप लोगों के कमेंट पर ही ये काम करना पसंद करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये दोनों ही मडगार्ड इंस्टॉल करने चाहिए या फिर सिर्फ एक ही मडगार्ड इंस्टॉल करना चाहिए। दोस्तों देखिए, दोनों चीज ही देखनी जरूरी होती है। एक तो ये कि आपकी बाइक का लुक कैसा है, दूसरा क्या इस लुक को बनाने के बाद आपकी बाइक सेफ है या नहीं। अगर सेफ्टी के साथ में आपकी बाइक को लुक मिल जाता है तो इससे बेटर बात और कुछ नहीं होगी आपकी बाइक के लिए और आपकी मॉडिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर के, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।